हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, बुधवार को हुई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में एक आईपीएल का बहुत ही बड़ा नियम निकल के सामने आ रहा है। क्या है वो नियम, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं और हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि आईपीएल में पावर प्लेयर का नियम आने वाला है, लेकिन दोस्तों बुधवार को हुई गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में यह नियम को लागू करने में सहमति नहीं मिली और यह नियम अब आईपीएल में लागू नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, एक दूसरा नियम जो कि आईपीएल 2020 में लागू होने वाला है वो है थर्ड अंपायर। मतलब आईपीएल में अब बीच मैदान में हमें तीन अंपायर देखने को मिलेंगे और तीसरे अंपायर का काम क्या होगा दोस्तों, वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जरा आपने देखा होगा कि 2019 आईपीएल में अंपायर की वजह से काफी ऐसे मैच हुए जो कि अंपायर के फैसलों की वजह से पलट गए। दोस्तों, आपको याद ही होगा मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मैच, जिसमें मलिंगा ने आखिरी गेंद पर नो बॉल डाला था, लेकिन अंपायर की गलती की वजह से वो सामने नहीं आ पाया था और मैच खत्म होने के बाद पता चला था कि मलिंगा ने जो वो गेंद डाली थी डिविलियर्स को, वो गेंद नो बॉल थी। और अगर वह गेंद नो बॉल थी और अगली गेंद फ्री हिट होती जिसपे डिविलियर्स छक्का मार के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मैच जिता सकते, लेकिन दोस्तों अंपायर की गलती की वजह से यह मैच मुंबई इंडियंस जीत गया। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में यह फैसला लिया गया है कि अब तीसरा जो अंपायर होगा वो सिर्फ और सिर्फ नो बॉल और वाइड पे ही ध्यान देगा। यानी कि दोस्तों, वो थर्ड अंपायर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ नो बॉल और वाइड देखने के लिए ही रखा जाएगा। और दोस्तों, ऑन फील्ड अंपायर जो होंगे उनको कुछ भी शंका होती है वाइड या नो बॉल की, तो वो इस अंपायर को पूछ के फैसला बदल सकते हैं। दोस्तों, अब तक यह होता रहा था कि अंपायर जो ऑन फील्ड होता था नो बॉल और वाइड का कॉल उसी का रहता था, अगर वो कंफर्म नहीं होता था तो उसका कॉल जो होता था वो मान्य रहता था। लेकिन दोस्तों, अब बल्लेबाज या गेंदबाज जो है वो इस फैसले पे रिफर कर सकता है और वो तीसरा अंपायर इसको आखिरी फैसला सुनाकर यह नियम बदल सकता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह नियम, क्या आप इस नियम से खुश है? और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।